तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद जुबैर। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उन यूज़र्स के लिए जो MSI का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ मॉडर्न सीरीज लैपटॉप और गेमिंग लैपटॉप्स और वट एवर इट इज़। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आफ्टर सेल सर्विस MSI की कैसी है और उनका सर्विस सेंटर का क्या हाल है, सारी चीज़ें। क्योंकि मैं अभी कुछ फ़िलहाल दिन में पिछले दिन में MSI सर्विस सेंटर मैंने विज़िट किया और सारा सिनेरियो देखा। तो आज इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे एक्सपीरियंस फेस करना पड़ सकता है अगर आप एक MSI का लैपटॉप लेते हैं। सो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने इस MSI लैपटॉप ये मैंने लिया हुआ था और इसके बारे में जो भी डिटेल आती रहती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ, जैसे जो भी इस चीज़ में मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो अभी फ़िलहाल लास्ट के कुछ दिन में मैंने इसमें एक चीज़ फेस की कि इसका जो कीबोर्ड है वो कुछ कीज़ इस साइड की और कुछ कीज़ लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे काम करना बंद कर दी थी। और इसके अलावा ये जो ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड भी क्लिकीनेस जो होती है वो ख़त्म हो गई थी इसके। आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका, लेकिन इस पर काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने तो पहले लोकल शॉप में जाके पता किया क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी मेरा हो गया था और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी इस पर नहीं ले रखी थी। तो लोकल शॉप में मैंने जाके पता किया तो उन्होंने बोला सर आपका कीबोर्ड इशू है, लगता है कीबोर्ड ख़राब हो गया है। और उन्होंने पता किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि कीबोर्ड आपको नहीं मिल पाएगा बाहर। तो मैं दिल्ली में ही था तो मैं वहाँ पे नेहरू पैलेस में गया, वहाँ पे MSI का सर्विस सेंटर है। अगर आप भी वहीं आसपास रहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस का लिंक ज़रूर दे दूंगा, आप जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं वहाँ पे गया और उन्होंने सारी चीज़ें देखी और उनके ना काफ़ी डिप्लोमेटिक से आंसर्स थे। मैंने बोला क्यों नहीं काम कर रहा है, तो उनका रीज़न था कि विंडोज़ 11 अपग्रेड की वजह से। तो मैंने बोला विंडोज़ 11 मैं 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू देखने को नहीं मिला है। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद कीबोर्ड इशू हो सकता है। तो मैंने बोला अगर कीबोर्ड इशू है तो कितना लगभग खर्च आ सकता है। तो उसमें भी उनका आंसर कि नहीं है, हम यहाँ से मेल डालेंगे तो फिर आपके पास कोट आएगा कितना रुपीज़ का इसमें पड़ेगा। तो काफ़ी डिप्लोमेटिक से आंसर थे, कोई फिक्स नहीं था। उसके अलावा उनका एक और था रीज़न कि अगर आपका कीबोर्ड में इशू ना हुआ तो मदरबोर्ड में भी इशू हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं वहाँ पे बैठा तो हूँ नहीं, मैं वहाँ पे सबमिट कर दूंगा और ये लैपटॉप जाएगा और वो जो भी बता देंगे मदरबोर्ड ख़राब है या कीबोर्ड ख़राब है या कुछ भी ख़राब है तो उसके लिए हमें पे करना पड़ जाएगा। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी एक सस्पिशियस सी चीज़ें लगें कि मतलब क्या ही इशू है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ, बात करते टाइम वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे इशूज़ बहुत सारे आए हैं मॉडल सीरीज़ के लिए और ज़्यादातर लैपटॉप वो सारे इन वारंटी थे तो उनमें पैसा नहीं लगा है और आपका आउट ऑफ वारंटी है। तो लगभग यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड का अगर इशू हुआ तो 7-8 thousand उन्होंने बोला और मदरबोर्ड का इशू हुआ तो 10-15 thousand के आसपास में खर्च यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने एक चीज़ और की, मैंने यहाँ पे MSI जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल लगाया और उन्होंने मुझे जो लिंक दी मैंने उसके थ्रू वहाँ पे इसका जो कोट है वो मंगाया। तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पे पता चला कि इसका जो खर्च है यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, तो 6200 रुपीज़ के अप्रॉक्स यहाँ पे मुझे कीबोर्ड का खर्च बताया गया। इसके अब बात यह है कि इसके क्या खर्च है, क्या ख़राब हुआ, ये सारी बात तो बात की बात है, लेकिन मुझे अगर आप सर्विस सेंटर की बात करेंगे तो सर्विस सेंटर मुझे काफ़ी ख़राब लगा। इसलिए लगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक MSI का सर्विस सेंटर नहीं था, वो भी दिल्ली जैसी जगह में, तो बाकी जगह में तो आप छोड़ ही दीजिए। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें, एक लॉजीटेक, एक MSI और एक और कोई दूसरा ब्रांड था, उन तीनों ब्रांड्स का एक ही सर्विस सेंटर था वो। तो मुझे काफ़ी बेकार सी वहाँ पे सर्विस लगी और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें नहीं थी वहाँ पे और काफ़ी सस्पिशियस सी चीज़ें, सस्पिशियस सी बातें उनकी लग रही थी। तो मुझे वो चीज़ें हज़म नहीं हुई तो मैंने वहाँ से नहीं बनवाया हुआ है, मैं लैपटॉप को लेके आ गया हूँ और बाहर से कहीं से मैं देखूँगा अगर ये बनेगा तो। इसके अलावा मैं बता दूँ सबसे मेन इशू कि अभी इसको लगभग 15-16 months हुए हैं इस लैपटॉप को लिए हुए और अभी से मुझे पहले तो हिंज वाला इशू आया था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी था उसके अलावा, और अभी ये कीबोर्ड और ये ट्रैक पैड का ऑल इशू आ गया है। तो मैं इस मतलब कंक्लूजन में यहाँ पे निकला हूँ कि ये जो इनकी मॉडर्न सीरीज़ है देखने में अच्छी है, परफॉर्मेंस में सारी चीज़ में मैं अच्छी बोलूँगा, लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी एक होनी चाहिए वो बिल्ड क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं इसमें। और जबकि इस लैपटॉप को बहुत अच्छे से रखा जा रहा है जब जाके इशूज़ आ रहे हैं, और अगर इसको थोड़ा सा रफली यूज़ किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बेकार है
ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, साल डेढ़ साल बहुत ज़्यादा ही है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको MSI मॉडर्न 14 के लिए जाए, अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए और ड्यूरेबल लैपटॉप और आप ट्रैवल करते हैं लेके सारी चीज़, तो इस लैपटॉप के लिए मत जाइए। HP और डेल के लिए जाइए, उनकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जो बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं। आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाके उनको भी चेकआउट करें। और आफ्टर सेल सर्विस अगर पूरा कंक्लूड करूँ मैं, तो मुझे बहुत ही बेकार लगी यहाँ पर दिल्ली जैसी यहाँ पर सिटी में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सर्विस सेंटर भी इसका बेकार है, सर्विस भी बेकार है। लैपटॉप भी अगर अच्छा है तो फिर मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको स्किप कर दें। और अगर सेम प्राइस में आपको अदर ब्रांड के यहाँ पे लैपटॉप्स मिल रहे हैं तो आप उनके लिए ज़रूर जाएं, MSI को आप स्किप कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो इन सारी चीज़ों का के बीच में मैस क्रिएट ना हो और कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेडर।